नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो फाइल मेन्यू है वो फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमएस एक्सेल यूज करने के टाइम पे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं हमारा फाइल मेन्यू। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं जरा सा भी टाइम वेस्ट ना किए हुए हमारा फाइल मेन्यू। तो दोस्तों फाइल मेन्यू हमारा यहाँ होता है। ओके, जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो तो देखो मैं अब जाता हूँ, यहाँ पर होम के बाजू में है मेरा फाइल मेन्यू। मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और फाइल मेन्यू पे जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो पहला ही मेरा ऑप्शन है इन्फो। एक्चुअली इन्फो ऑप्शन है क्या? ओके, इन्फो ऑप्शन में आपको सबसे पहले देखो मेरा फाइल का नाम डे वन था, तो डे वन मेरे फाइल का नाम है। यहाँ पर आपके फाइल का नाम दर्शाता है, उसके बाद फाइल का पाथ दिखाता है, ये फाइल एक्चुअली है कहाँ पर। ओके, ये फाइल का पाथ हो गया। ओके, उसके बाद ये फाइल के प्रॉपर्टीज दिखाएगा। फाइल के प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पर देखो मैंने टाइटल नेम किसी ने अभी तक मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं टाइटल नेम ऐड कर सकता हूँ, उसके टैग्स ऐड कर सकता हूँ, उसकी कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, मेरे फाइल की जो साइज है फाइल की साइज यहाँ पर दिखाई हुई है, फाइल को क्रिएट कौन से डेट पे किया, फाइल को लास्ट प्रिंट कभी किया था, फाइल मेरा लास्ट ओपन कभी हुआ था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कौन से डेट पे हुए थे। तो ये बहुत सारा डिटेल आपको ये इन्फो टैब में मिलेगा, मतलब फाइल से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगी। ये सारे ऑप्शंस को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप ऑप्शंस है, उसको थोड़ा एक्सेल समझ लीजिए फिर हम लोग ये सारे ऑप्शंस को भी समझ लेंगे। फिलहाल आप प्रॉपर्टीज और ये जो इन्फो पार्ट है ये इन्फो पार्ट आप समझ लीजिए कि एक्चुअली ये इन्फो पार्ट है क्या। ओके, उसके बाद आता है न्यू। न्यू क्या है? न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने न्यू का टैब ओपन हो जाता है। देखो आपको न्यू का टैब जो ओपन हो गया ना आपके सामने, यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन है, तो आपको जो भी नया कोई भी मतलब एमएस एक्सेल ने आपके लिए ना बहुत सारे टेम्पलेट बना के दे दिए हैं, एकदम रेडीमेड बना दे दिए हैं। आप जब भी जाइए वहां पर, कोई टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट का नाम सर्च कीजिए और वो टेम्पलेट को यूज कर लीजिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए और यूज कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आपको अपना खुद का नया टेम्पलेट बनाना है तो देखो ये ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करिए, मतलब पूरा ब्लैंक एक वर्कशीट मिल जाएगा जहां पर आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन आपको समझो जस्ट एक बिलिंग स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट मीन्स अपना इनवॉइस। आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस में एक इनवॉइस जनरेट होता है, तो इनवॉइस बनाने के लिए आपको बिलिंग स्टेटमेंट को यूज करना है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमएस एक्सेल ने अपनी तक क्या क्या बना के रखे हो, बिजनेस रिलेटेड, तो बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे भी, देखो बहुत सारे टैब्स हैं क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो मुझे ये इसलिए अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ, होम करता हूँ। होम पे जाने के बाद देखो बहुत सारे यहाँ पर जो रिसेंटली यूज हुए टैब्स है ना, जो सजेस्टेड टैब्स है जो आपको यूज करने चाहिए। देखो आपको कैलेंडर बनाना है, आपको कैलेंडर रेडी मिल गया, आपको बजट बनाना है बजट रेडीमेड मिल गया, आपको हाउस होल्ड खर्चा मतलब घर के खर्चे का बजट बनाना है तो घर के खर्चे का बजट रेडीमेड मिल गया, आपको जो चीज बनानी है उसका आपको रेडीमेड पूरा टेम्पलेट देके रखा हुआ है। अभी चलो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग एक बेस्ट टेम्पलेट जो एक्सेल पे हम लोगों को बनाना भी पड़ता है और बहुत यूज भी होता है वो है बिलिंग स्टेटमेंट। तो हम लोग बिलिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओके, मैंने बिलिंग स्टेटमेंट पे क्लिक कर लिया। देखो मेरा बिलिंग स्टेटमेंट का पूरा टेम्पलेट बना बनाया, पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में बना बनाया मेरा टेम्पलेट रेडी हो गया। मुझे यहाँ पर सिर्फ ये टेम्पलेट को जाके अभी फिल करना है। देखो ड्रॉप डाउन लुक डाउन सब देखे रखा हुआ है, तो मुझे जाके सिर्फ ये टेम्पलेट को फीड करना है। थोड़ा बहुत मुझे चाहिए मेरा कंपनी का नाम मैं डाल दूँ, मेरा एड्रेस इधर डाल दूँ। ओके, जो भी मुझे चीजें चाहिए वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं डाल के मेरा फोन नंबर अपडेट करूँ, फैक्स नंबर अपडेट करूँ, ईमेल आईडी अपडेट करूँ, तो जो भी चीजें मुझे चाहिए वो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डाल के मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, खुद का बना सकता हूँ। सेव एज करके मैं इसको खुद का बना सकता हूँ, सेव करके मैं इसको खुद का बना सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से एक्सेल ने हमें बहुत सारे टेम्पलेट दे के रखे हुए हैं। ओके, इसका शॉर्टकट आपको अगर नया अगर शीट खोलना है तो उसका कंट्रोल एन करके एक शॉर्टकट है। ओके, कंट्रोल एन के शॉर्टकट से देखो यहाँ पर मैंने देखे रखा हुआ है कंट्रोल एन, और प्रोसेस क्या है, फाइल में जाके न्यू क्लिक करो, आपको नया वर्कशीट मिल जाएगा, नया वर्कबुक ब्लैंक बुक आपको मिल जाएगा, टेम्पलेट बुक आपको बुक आप ओपन कर सकते हो। देखिए मैंने एक्सेल शीट में लिखा हुआ है, ये एक्सेल शीट आपको मेरे नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक में जाके आप शेयर ट्राई कीजिए, आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देके रखा हुआ है, आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फाइल टैब काम करता है। चलो हम लोग आगे जाते हैं। अभी सेव टैब में, अभी सेव टैब का है, फाइल के नीचे
मेरा हो गया न्यू, न्यू के बाद मेरा ओपन है। चलो ओपन को पहला लेते हैं, सेव को बाद में दे लेते हैं। ओपन क्या करता है, ओपन एक्चुअली कोई भी मेरा वर्कबुक मुझे ओपन करना है तो वो वर्कबुक ओपन करेगा। चलो मैं पहले सेव कर लेते, बना बनाया एक वर्कबुक है तो इसको जाता हूँ मैं अभी, इसको अभी जाके मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद मुझे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ पर सेव करना है, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर मैं बिलिंग स्टेटमेंट को सेव कर देता हूँ। ओके, मैंने बिलिंग स्टेटमेंट को सेव कर दिया, देखो ऊपर मेरा नाम भी आ गया बिलिंग स्टेटमेंट। ओके, अभी मुझे ये बिलिंग स्टेटमेंट को ओपन करना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। मेरे को नीचे मेरा ये शीट पे मैं आ गया। अभी मुझे वो शीट वापस खोलनी है, वापस देखनी है, तो अभी मैं कंट्रोल ओ भी दबा सकता हूँ। कंट्रोल ओ मेरा ओपन का, ओके ओपन जो है ना मेरा ओपन, ओपन का मेरा शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। तो आप कंट्रोल दबा के ओ दबाओ, आपका ये खुल जाएगा डायरेक्टली, आपका इंटरफेस खुल जाएगा। या फिर मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ओपन में क्लिक करके मैं ब्राउज करूंगा। ब्राउज करके मेरा फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पे देखूंगा, डेस्कटॉप पे जाके मुझे वो फाइल ओपन करूंगा, तो मेरा वापस फाइल मेरा खुल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से फाइल को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हो, या आप किसी भी तरह से जाके आपके फाइल से, आपका ये प्रोसेस से आप जाके अपना फाइल खोल सकते हो। अब ये मेरा बना बनाया फाइल है, ये फाइल को मुझे अभी किसी दूसरे नाम से सेव करना है। मतलब ये मेरा फाइल रहेगा, इसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस इसका एक रेप्लिका बनाना है मुझे, और एक नया फाइल इसको सेव करना है। तो जाके मैं फाइल में जाके सेव एज पे दबाऊंगा। सेव एज पे दबा के वापस मैं ब्राउज करूंगा। ब्राउज करके मैं यहाँ पर मेरे को स्टेटमेंट नाम वन है ना, तो मैं इसको जाके टू कर देता हूँ। टू करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा देखो फाइल का नाम सेव हो गया, टू फाइल हो गई। तो अब चलते हैं हमारे अगले फंक्शन के पास। ओके, सेव एज हो गया, अभी हमारा है प्रिंट ऑप्शन। जो देखो आपका जो यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, देखो आपका मेरा जो प्रिंटेड, ये जो मेरा फाइल था ना, ये फाइल को मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करके ऐसे दिखेगा। मैं आपको ये इनवॉइस ले लेता हूँ। देखो इनवॉइस वाला बिलिंग वाला जो फाइल है ना, इसको मैंने ले लिया। इसको लेके मैं यहाँ पर कंट्रोल पी दबा के भी आप प्रिंट कर सकते हो, और फाइल से जाके प्रिंट दबा के भी आप प्रिंट कर सकते हो। देखो आपका पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गया। नंबर ऑफ आपके जितने भी 50-100 इनवॉइसेस रहेंगे ना, आप बना दो नीचे, एक के नीचे एक डायरेक्टली, एक के नीचे एक सारे प्रिंट हो जाएंगे। आपका बिजनेस में आपको जरा सा भी सिर्फ नाम एडिट करो, आपका आइटम्स एडिट करो, आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपका कस्टमर का नाम भी वो सब 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 फटाफट आ जाएगा। तो दोस्तों इतना बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। ओके, तो ये है हमारा प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के नीचे हमारा आता है शेयर। ये शेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका अगर मेल से कनेक्टेड है आपका सिस्टम, तो आप यहाँ पर जाके ईमेल दबा दो, तो ईमेल से आपके फाइल में जाके वो आपका शेयर हो सकता है, आपको शेयर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट का है, आपको पीडीएफ में अगर एक्सपोर्ट करना है डायरेक्टली, तो इसमें अलग अलग फाइल टाइप आते हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ ही है, क्योंकि पीडीएफ ही जनरल नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट फॉर्मेट है, तो ये सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ड होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग एक्सपोर्ट फॉर्मेट आते हैं, वो हम आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो पैचेस आप इंस्टॉल करके यहाँ पर वो अलग अलग फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। ओके, उसके बाद ये पब्लिश का ऑप्शन आता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई करके एक टूल है। ओके, वो टूल में आपको अगर एक्सेल का किसी भी डेटा को आपको वो टूल में डालना है, तो आप अलग अलग डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल फाइल को उठा के वहां पर एक्सपोर्ट करा सकते हो और वहां पर अपना काम करा सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक क्लोज बटन आता है। ओके, क्लोज बटन से आप हमारे एक्सेल को बंद करा सकते हो। ओके, ये एक्सेल पे आपका काम हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोज बटन करा दो। यहाँ पर ऊपर आपका एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से क्लोज बटन करा दो। तो आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप डेटा को बना सकते हो। अपना काम खत्म होने के बाद यहाँ से क्लोज बटन दबा दिया, तो मेरा एक्सेल का शीट वो कुल बंद हो गया। देखो अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फाइल दिख रहा है, दूसरा फाइल बंद हो चुका है। ओके, तो इस तरह से अपने एक्सेल की फाइल के फाइल टैब में जो डाटा है, फाइल टैब में जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस को मैंने आपको सामने अभी बता दिया है। तो इसमें अगर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ रहा है, या फिर अगर सिर्फ पूछना हो आपको कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप करा सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछ सकते हो, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट समझना है एक्सेल को, इतना आप दिमाग में सोच लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दो, फिर एक्सेल आपके कंट्रोल में है। ओके, तो दोस्तों तब तक के लिए, अभी के सेशन के लिए बस इतना ही। आगे के सेशन में आपको और भी अलग अलग चीजें बताऊंगा, और अलग एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने चार दोस्तों को शेयर कर देना। तो बस अपने ही बढ़ता रहेगा नॉलेज, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और नॉलेज बांटने में कोई बुराई नहीं होती दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।